लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो बाहर टिफिन खुले हुए हैं इस वक्त वो बहुत ही मजेदार है। मैं आपको पहले से थोड़ा बता सकती हूँ कि ये गमछे तो हमने पहन लिए हैं और हम पूरी तरह मैं भी पूरा थीम में ड्रेसअप होकर आ गई, लेकिन बिहार चखाने का जो मजा आने वाला है वो आने वाला है इसके बाद जब हम आपको लिट्टी चोखा और ऑल द वंडरफुल डेलिकेसीज खास आपके लिए तैयार की गई है। अच्छा हम इधर फोटला नहीं खोल सकते जैसा सेट पे मेकअप रूम में होता है, लगभग कुछ ऐसा ही रहा है। होपफुली वी विल सॉर्ट दिस हमिंग इशू आउट, क्योंकि और बहुत सारी बातें करनी है मुझे भी आपसे, और फिर अगर मैंने सारे सवाल खत्म नहीं किए और कुछ छोड़ा हो इनके लिए, सो देन आई एम श्योर दे विल हैव समथिंग टू आस्क अस। वही होने वाला है ये किशन अच्छा हम लोग का तब तक लाइनअप कर दो रोलिंग क्लोज आ जाओ जरा थोड़ा क्लोज 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 हाँ एकदम क्लोज सेंटर और क्लोज आ जाइए बस वेरी नाइस। तीनों एक साथ बोलो जनता वाइज प्रॉपर लव ट्रायंगल फोटो इसे कह सकते हैं। इस फोटो में हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से संदीप सर टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड कैन वी ऑल्सो हैव आवर बिजनेस हेड Hindi GEC Sulabh Sulabh on stage. Solo, solo. Only then can we call it a complete picture. Let's hear a huge round of applause, please. कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते कि कैरेक्टर आउट एंड आउट वाइट है या उसमें ग्रे शेड्स देखने को मिलेंगे आगे जाके? देखिए आउट एंड आउट वाइट तो कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है और कोई भी ब्लैक नहीं होता है, सो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन जिंदगी में सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है और इम्पोर्टेंस हर चीज की होती है, लेकिन किस वक्त पर क्या चीज जरूरी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गौरव अभी अपनी लाइफ की जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर उसके लिए उसका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके सपने उसको जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपने सपनों को चेंज नहीं करेगा तो वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा जहां पर पहुंचना उसके लिए इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि शो में देखने को पता चलेंगे, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उसने गैना को हमेशा यू नो अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है और गैना उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन ये वक्त गौरव के लिए ऐसा नहीं है कि वो यू नो सब कुछ छोड़कर गैना के साथ जाने लग जाए, तो इसलिए वो यू नो अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है और उसके पीछे भाग रहा है क्योंकि उसकी अपनी और जिम्मेदारियाँ हैं जो रास्ते में आ रही हैं। एनीवन फॉर एनी क्वेश्चन? प्यार याद आ रहा है, एनी क्वेश्चंस? बाइट्स तो होती रहेंगी, बाइट्स तो होंगी, सेपरेट भी मिलेंगे क्वेश्चंस, लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ आई थिंक वी कैन हेड फॉर बाइट्स एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गौना एक प्रथा। सोमवार से शनिवार 9:30 बजे शिमारू उमंग पर हम सब लाइव है। 10 जुलाई से अगले मंडे से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एग्जैक्टली 4 दिन बाकी है एंड एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ते जा रहा है। सो इसी के साथ वी गिव टू यू द प्रिंसिपल कास्ट फॉर द बाइट्स।
और उसके बाद सम यमी बाइट्स विद द थीम ऑफ बिहार. प्लीज एंजॉय दैट एंड जॉइन अस फॉर लंच एज वेल. जब आप Those yummy bites में भी आपको बिहार चखने का मौका मिले. ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने yummy bites का इंतजार है. नहीं नहीं ये तीनों ज्यादा yummy bites होने वाली है. So please grab this opportunity and interact with them. Thank you and all the best to the entire team of Shivani Umang as well. And Pooja Kamal, thank you so much. Thank you. You're such a fun. Thank you. Thank you. Thank you. Casting हो जाएगी मतलब मेरी audition में. Thank you, all the best.